प्रणाम नमस्कार, मेरा नाम दलीप ताहिल है और जब नाम ही पिक्चर का हिट है तो हिट ही होगा। लेकिन हिट का अगर उसको होमसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है। ये रीमेक है तेलुगु फिल्म की जिसका नाम जो तेलुगु में भी उसका नाम हिट था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पिक्चर बहुत कामयाब होगी। बहुत बढ़िया पिक्चर है और ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। तो मुझे यकीन है, पूरी उम्मीद है कि ये पिक्चर बहुत बढ़िया चलेगी। बहुत बढ़िया काम किया है सब ने। डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, शैलेश जी, और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर्स को, टी सीरीज़ को, दिलराजू साहब को, और हमारे कलाकार जो हैं राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा और हमारे तमाम कास्ट और क्रू को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिक्चर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। लो हाँ बोलो भाई। गुड टू सी यू सर। थैंक यू। ट्रेलर पिक्चर का नाम ही है हिट। ट्रेलर अभी तक लोगों ने बहुत ही हिट किया। आपके किरदार को हमने देखा, पॉप का किरदार, मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस थ्रिलर है। आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं। ट्रेलर को लोगों ने 25 मिलियन क्रॉस किया व्यूज नंबर आया। आप बताइए कितने एक्साइटेड है हिट को लेकर। आई मुझे लग रहा है कि हिट होगी, काफ़ी बड़ी हिट होगी, क्योंकि बहुत टेक्निकली इट्स डन वेरी वेल। डायरेक्टर इज़ रियली गुड, शैलेश कॉलोनी जी, एंड उन्होंने जो पहले जो की थी तेलुगु में वो भी सुपर फिल्म थी। और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस जब राजकुमार राव वगैरह जैसे लोग हैं तो डेफिनेटली एक्टिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज तो सवाल ही नहीं। एंड माय कैरेक्टर पर्टिकुलरली मतलब जो आपने देखा भी होगा कॉप है, लेकिन वो क्या कर रहा है आपको समझ में नहीं आया होगा। तो एक मुझे याद आ रहा है मेरी वो जो फिल्म थी एक पहले जिस फरेब, उस टाइम भी ऐसे ही थोड़ा सस्पेंस था कैरेक्टर के बारे में। लेकिन ऑफकोर्स इसमें अभी क्या होता है वो देखने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। बट ओवरऑल आई फील आई हैव गॉट अ गुड फीलिंग अबाउट दिस फिल्म। सस्पेंस पॉप है आप। राजकुमार राव भी हैं, सानिया मल्होत्रा, उनके साथ में भी ट्रेलर में मैंने आपके साथ में पीछे की गुत्थियाँ देखी। उसका तो समझ नहीं है आप लोग क्या कर रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस विद राजकुमार राव। Fantastic actor, he's a very good actor, you all know that, and mostly I have got scenes with him and maza aa gaya performance karne ke time, and most of the actors are really good, mainly they are coming from theater and matlab kaam kiye hue majhe hue actors hai, jaise Dilip Tahil ji hai. So overall very good star cast, very well written, very well directed, aur sab camera work, gaane wane sab kuch acha hai. Super. Thank you, thank you. थैंक यू।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता है कि बहुत अच्छा मूवी बनाया हमने, एकदम अलग सा मूवी निकल के आया, बहुत फ्रेश लगेगा आपको। तो मूवी में बहुत हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत बहुत रेसी स्क्रीन प्ले हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑडियंस जाके देखेंगे, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है कि लाइक करेंगे। राजकुमार राव आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि वो बिना बोले आँखों के साथ बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इसीलिए मैंने उनको कास्ट किया है फिल्म में। जब मैं सोचा ये फिल्म को बड़ा यू नो वाइडर ऑडियंस के पास लेके जाना है, तो फर्स्ट थिंग यही मेरे माइंड में था कि ऐसा एक्टर एक चाहिए था जो बिना बोले कम्युनिकेट करेगा ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक राजकुमार का बिगेस्ट स्ट्रेंथ वही है कि एक्टिंग हिस्ट्रियोनिक्स के साथ बहुत कम्युनिकेट कर लेते हैं ऑडियंस के साथ। नहीं, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि मैंने भी ओरिजिनल तेलुगु में जो हुआ वो भी मैंने ही लिखा, मैंने ही डायरेक्ट किया। अभी एक ओरिजिनल जो बनाया वो डायरेक्टर को, वो राइटर को, वही टेक्निकल टीम को, सिनेमाटोग्राफर एडिटर को हम अगर फिर से इस प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करने के लिए लाते हैं, तो अगर फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करना है तो हमारी ज़रूरत है ही नहीं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि कोई भी कर सकता है वो। हमको इसीलिए लाया गया है क्योंकि हम कहानी का सोल पकड़ के, जो जो काम किया है वहाँ पे उसको पकड़ के, बाकी सारी चीज़ों को नए तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है ये फिगर आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया है। ओरिजिनल सिनेमाटोग्राफर को हमने लाया है, ओरिजिनल एडिटर को लाया है यहाँ पे। तो फिल्म का आत्मा वही है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हमने किया है, कैरेक्टर मोटिवेशंस चेंज किया है हमने, बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स चेंज किया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को चेंज किया है नए तरीके से आपको प्रेजेंट करने के लिए। परफॉर्मेंसेस भी बहुत अलग लगेंगे, अब राजस्थान में सेट किया है कि वो कल्चर भी आपको बहुत अलग बनाएगा फिल्म को, तो जो ओरिजिनल देखे हैं उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस ही होगा ये। तो मैं क्रिस्पली बोलता हूँ, बहुत बड़ा कहानी है। सिडनी में काम करता था मैं, एसोसिएट लेक्चरर था और साइंटिस्ट था, पीएचडी है मेरा। तो वो टाइम पे मैं कहानियाँ लिखना मेरा शौक़ था, हॉबी, तो उसको थोड़ा सीरियसली लेने लगा। फिर एक कहानी ऐसा लिखा जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, तो इसको कुछ करना चाहिए इसके साथ, कुछ जस्टिस करना चाहिए इसके साथ, तो वो लेके मैं निकला, सिडनी से हैदराबाद आया, तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा जर्नी और आज फुल टाइम फिल्म मेकर हूँ, यहाँ पे ही सेटल हो गया मैं। बैक टू बैक हम आपको फिल्म में डायरेक्ट करते हुए देखेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? 100% सर, बैक टू बैक फिल्म्स बनाना है, ऑडियंस का ब्लेसिंग्स चाहिए उसके लिए, और बहुत सारे कहानियां हैं जो बताना चाहता हूं, तो हाँ अगर फिल्म के ऊपर ऑडियंस का ब्लेसिंग्स रहेगा तो बिल्कुल बताएंगे और कहानियां बोलेंगे। थैंक यू सो मच। फिल्म का
नाम हिट है, ट्रेलर तो हिट हो ही चुका है, आप बताइए पिक्चर भी हिट है, पिक्चर भी हिट है आपने बता दी, तो आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं, ट्रेलर डेफिनेटली आपने देखा ही होगा, बहुत एक्साइटेड है, मेरा फेवरेट एक्टर है, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है राज, और मैंने साउथ इंडियन फिल्म नहीं देखी है और बड़े स्क्रीन पर देखने वाली पिक्चर है, तो मैं आया हूँ बड़े स्क्रीन पर देखने। आपके जो फेवरेट हैं इस बार वो कॉप के अंदाज में दिखाई दे, हाँ तो आप बताइए कि उन्हें कैसे देखते हैं कॉप के अंदाज में, आप अपनी तरफ से कुछ ना टिप्स देंगे या मैं क्या एक्टर को क्या टिप्स दूंगा, जब स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे ना तब टिप्स देते हैं, वैसे बेसिक एक्टिंग टिप्स नहीं, बट राज इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, कोई भी रोल करेगा अच्छा ही करेगा, पुलिस करे चोर करे अच्छा ही करेगा। आपको हम किस अंदाज में देने देखने वाले हैं, क्या आपके जो नेक्स्ट आज हिट की बात होगी, बस सुपर हिट पिक्चर, एक्चुअली इसका नाम सुपर हिट होना चाहिए था। और कुछ बताएंगे जब इस तरह की फिल्में पूरी तरह से चालू हो गया है, इस तरह की फिल्में आ रही हैं और लोग अप्रिशिएट भी, और लोग जा रहे हैं, अच्छी फिल्म लगती है तो लोग जाते हैं देखने थिएटर्स में, और थिएटर में जाके देखने एक्सपीरियंस अलग होता है, मतलब फिल्में तो आप टेलीविज़न पे भी देखते थे पहले, फिर बाद में OTT आ गया, OTT पे भी देखते हैं, लेकिन कुछ फिल्में थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए होती हैं, और थिएटर जाने का अपना दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाने का उसका एक अलग तजुर्बा होता है, और वो करना चाहिए। थ्रिलर है, थ्रिलर हमेशा साउंड और कैमरे का गेम होता है, तो उसका मज़ा थिएटर में आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। सानिया जी प्लीज कम, थोड़ा बीच में ही। हेलो कैसे आप? बढ़िया, सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू टू, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नाम ही हिट है, ट्रेलर हिट हो चुका है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड 25 मिलियन प्लस व्यू आए हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि अब आप लोग कितने एक्साइटेड हैं 15th of July जो है कल, जो है कल फ्राइडे, दिस फ्राइडे, हाँ फिल्म आ रही, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने फिल्म देखी है, हमें बेहद पसंद आई है, बहुत ही अच्छा थ्रिलर है और अच्छे थ्रिलर की हम सबको तलाश रहती है, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, 2 साल बाद फिल्म आ रही है मेरी थिएटर में, तो आई एम इवन मोर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कॉप है इस बार, कॉप के किरदार में है, बहुत नया किरदार है, इससे पहले ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया है मैंने, क्योंकि और बहुत ह्यूमन है, बहुत ही कहते हैं कि जो किरदार है ना, हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे, और एक जो मिस्ट्री है जो आप कह रहे हैं वो इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई है कि हर 10 मिनट में आपको लगेगा अरे ये क्या नया हो गया, अरे ये क्या नया हो गया, तो एंड तक आप जो है एकदम सीट के एज पे अपने बैठे रहेंगे जानने के लिए कि एंड में होगा क्या। कॉप के किरदार में हमने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ढेरों सारे एक्टर को देखे हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक, हर एक सदी में जी, जी, आपका कैसा फेवरेट रहा है कि यार इसको ये बहुत ही, मेरे फेवरेट जो है मनोज बाजपेयी सर रहे हैं शूल फिल्म में। आपका फेवरेट फीमेल, फीमेल में हमने बहुत सारे कॉप को देखा है, प्रियंका चोपड़ा, एंड मेल में आई थिंक राजकुमार राव इन हिट। लव स्टोरी भी है थ्रिलर के अलावा, आप लोगों की तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आप लोग हाथों में हाथ डालकर फिल्म भी देखिए, देखूंगा सिर्फ रोमांटिक एंगल नहीं है, आई थिंक नेहा हेल्प्स विक्रम, दे आर पार्टनर एंड पार्टनर्स इन क्राइम टू, हेल्प ईच अदर,
तो वो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरे साथ खड़ी हैं, एक दूसरे के साथ हम खड़े हुए हैं और प्यार तो है ही, लेकिन बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो लव स्टोरी है वो फिल्म का, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अनुभव सिन्हा जी ने जस्ट अभी बताया कि आप क्या बता गए वो, आप लोग जो है उनके फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि वो भी हमारे फेवरेट है ना, हम प्यार करते हैं उन्हें बहुत, मेरे बहुत बहुत वन ऑफ द क्लोजेस्ट मेरे कहूँगा अजीज हैं वो मेरे। क्या बता गए वो। बहुत ब्यूटीफुल आउटफिट भी आज आप लोगों का है, आपका भी। मैं तो एक जैकेट डाल ली, एक टॉप डाल लिया है, क्या है जी, बिल्कुल। सो बताइए कि मुझे आई एम स्टाइल बाय आलिया अल रफा, आई एम स्टाइल बाय अनीशा जैन। सो फैंस की बहुत ही बेसब्री से इंतजार है सोशल मीडिया पे, जितना मैं देख रहा था कि ये रीमेक है तेलुगु फिल्म की, वो भी हिट थी, डायरेक्टर सेम है, कहानी थोड़ी अलग है, कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन सेम डायरेक्टर ने बनाई है, तो उनका उनका भी यही मानना था कि अगर मैं मुझे बनाना है तो कुछ अलग करने का मौका मिलेगा तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज कॉपी पेस्ट तो किसी और को लेके बना लो, तो मेरी होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम तो हमने देखी है फिल्म, तो दोनों में काफ़ी चीज़ें अलग हैं और ये अपनी एक फ्रेश फिल्म है, जितने अभी तक हमें रिस्पॉन्स आ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर ने देखी है दिल्ली में, जयपुर में, और उनको बड़े बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने देखी है, उनको बेहद पसंद आई, लगा ये आपने हमारी ज़िंदगी को एकदम ऐसा दिखा दिया जैसे हम जीते हैं। बहुत एक्साइटमेंट था और दिल्ली जाना, और दिल्ली मेरे लिए घर है, तो वहाँ जाके प्रमोट करना बड़ा सरियल सा एक्सपीरियंस होता है, बट आई एम वेरी हैप्पी, जिन लोगों ने भी अभी तक फिल्म देखी है सबको बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई होप कल ऑडियंस भी जाए और उनको भी बहुत अच्छी लगे। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए फिल्म को, कुछ ही घंटे, काउंटडाउन बिगिंस, ये कहना चाहेंगे कि जाके देखिए, कल रिलीज हो रही है फिल्म और एक बेहतरीन अच्छी हिंदी फिल्म आ रही है, एक थ्रिलर आ रही है बहुत अच्छी, बहुत दिनों बाद मुझे याद है लास्ट मैंने अच्छी हिंदी थ्रिलर देखी थी अंधाधुन, तो उसके बाद एक बहुत कमाल की एक हिंदी थ्रिलर आ रही है, तो गो एंड वॉच इट, हिट द फर्स्ट केस, या प्लीज डू वॉच हिट द फर्स्ट केस, टुमारो इट्स रिलीजिंग, आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगे। थैंक यू गाइस, फोटो अप करना है, अभी मूड देख, मैंने पूरा मूड बना लिया है, तो सोच रहा हूँ उसमें माफ कर आपके बिना चीज अधूरी है, यहाँ पे देखो मुझे लगा राहुल इसलिए साइड में रहेंगे भैया, थैंक यू, इसलिए साइड में सर।